हाय तगड़े हो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं, 10:30 हो चुका है टाइम, और आज मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल की तरफ मायके से। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे फेस भी पूरा ऐसी की तैसी हो रखी थी। अब तो पूरा क्लियर हो गया है, नहीं तो पूरा फेस मेरा ऐसे हो रखा था ना कि पूछो मत। और फिर इस वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बना पाई मैं। तो चलो आज चलते हैं ससुराल की तरफ। ससुराल की तरफ जा रहे हैं आज, पापा जा रहे हैं मेरे को छोड़ने। और पूरा चारों तरफ देखो कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। और चलो तो आगे का सफ़र दिखाती हूँ आपको ससुराल जाने तक का। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।
गया है, शाम के 5 बज गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए। मैं अपने ससुराल पहुँच चुकी हूँ और मतलब मैं 2 बजे पहुँच गई थी, और उसके बाद खाना वाना खाया, फिर बर्तन वर्तन धोए, ऐसे बैठे रहे। उसके बाद पापा हो गए, उसके बाद ऐसे टीवी देख रहे थे, फिर चाय वाय पी, और अभी घास के लिए जा रहे हैं। दी कलियो देने गई है मतलब जो मैं लेके आई थी मिठाई, वो जो लेके आई थी मतलब बना के अपने मायके से, तो वो दीदी देने गई है पूरे गांव में। तो मैं दीदी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे, पता नहीं कब तक आती है। तो चलो मैं चल लेती हूँ खेत में, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में और अभी दी नहीं आई है क्योंकि नीचे गाँव में गई है ना, तो नहीं आई है। तो मैंने कहा मैं खेत में पहुँच जाती हूँ और उसके बाद घास वास काट लेती हूँ थोड़ा बहुत, जब तक दी आती है। और यहाँ इतनी ओस पड़ी है ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी ना, तो पूरी ओस ओस गिरी हुई है। टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं और मैं घास लेके आ गई हूँ जस्ट अभी अभी। देखो पसीने से कैसे हालत ख़राब, चढ़ाई को आना है ना तो ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, वो भी घास के नीचे गर्मी उफ। और बहुत दिनों बाद आई ना मैं घास, तो मेरे को ज़्यादा ही हो रहा था कुछ, तो अभी आई हूँ बैल को घास देने। तो चलो पहले देती हूँ बैल को घास, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं और मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ। और अभी तो चूल्हे में आग भी नहीं जली है क्योंकि सब्जी बन गई, और ऐसी चाय पी रहे थे हम। तो अब फटाफट से रोटी बना देती हूँ, आटा गूंथ के दीदी ने रखा हुआ है, तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, तो उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलो बने रहिए तब तक ब्लॉग के साथ। टाइम हो गया है सुबह के 8 और मेरा कल का ब्लॉग रह गया था जो कि एंड करना मतलब नहीं किया था रात को एंड। तो चलो करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। जा जा सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।